नमस्कार मित्रों, सन 2002 में अभिषेक बच्चन की एक मूवी आई थी शरारत। इस मूवी में अभिषेक बच्चन ने जो किरदार किया था वो बहुत ही शरारती किस्म का व्यक्ति था और ट्रैफिक रूल्स को बार बार तोड़ता था, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करता था और इसलिए अभिषेक बच्चन द्वारा निभाए गए उस किरदार के ऊपर ट्रायल होता है और जज साहब के द्वारा कम्युनिटी सर्विस के तौर पर एक ओल्ड एज होम में जा करके सेवा का आदेश देते हैं। सामुदायिक सेवा को दंड के तौर पर अमेरिकन जुडिशरी के द्वारा यूज़ किया जाता है, लेकिन भारत में इस मूवी के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि भारत में भी सामुदायिक सेवा दंड के तौर पर शामिल की जानी चाहिए। अब सामुदायिक सेवा होती क्या है, तो सबसे पहले हम सामुदायिक सेवा को समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान में क्यों सामुदायिक सेवा एज ए पनिशमेंट इतना हाईलाइटेड है। हाल ही में मानसून सत्र की समाप्ति के अंतिम दिन हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा दांडिक विधियों के लिए नया बिल पेश किया गया और इन बिल के तहत जो भारतीय न्याय संहिता को शामिल किया गया उसके अंतर्गत सामुदायिक सेवा को एज ए पनिशमेंट डिफाइन करने का प्रयास किया गया। देखिए, सामुदायिक सेवा, व्हेन द पर्सन द ग्रुप पर्सन वर्क द अपलिफ्ट एंड डेवलपमेंट्स द कम्युनिटी विदाउट टेकिंग मनी। जब कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई भी समूह किसी भी समुदाय के विकास और उत्थान के लिए बिना पैसे लिए काम करता है, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कास्ट, तो ऐसी जो सर्विस है ये कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत आती है। यह आवश्यक नहीं है कि सामुदायिक सेवा स्वेच्छा पूरी हो, यानी कि वॉलेंट्री, सामने वाला व्यक्ति वॉलेंट्री करे। कई बार उसको सजा के तौर पर भी उसको ऐसी सामुदायिक सेवा करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम में सामुदायिक सेवा को एज ए पनिशमेंट देने का प्रचलन काफ़ी समय से रहा है, लेकिन भारत में सामुदायिक सेवा को एज ए पनिशमेंट देने का प्रचलन नहीं रहा है। अधिकांशतः सामुदायिक सेवा करने का नागरिक संबंधी आवश्यकताएँ होती हैं, आपराधिक न्याय संबंधी आवश्यकताएं होती हैं और विद्यालय, यानी कि विद्यालय, स्कूल, कॉलेज में भी जो है तो सामुदायिक सेवा को एज ए लर्निंग टूल्स या एज ए पनिशमेंट सामुदायिक सेवा को शामिल किया जाता है। भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति में सामुदायिक सेवा का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि प्राचीन शिक्षा पद्धति के तहत जो बच्चे थे वो गुरुकुल या आश्रम में पढ़ने जाते थे। वहाँ पर उनको अपने दिनचर्या के जो काम होते थे स्वयं करने होते थे और कई बार ऐसे काम में अपने साथियों की मदद भी करनी पड़ती थी, जैसे खाना बनाना है, साफ़ सफाई करना है, उद्यान वगैरह, कृषि वगैरह करना है, क्योंकि पहले अधिकांश गुरुकुल जंगलों के बीच में स्थित होते थे, तो वहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ते थे वो अपने डेली यूजेस के लिए जो फल सब्जियां हैं खुद ही उगाते थे और एक तरह से ये सामुदायिक सेवा के तौर पर मानी जाती थी और इससे उनका कह सकते हैं कि शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से डेवलपमेंट्स होता था। बाद में जब भारतीय शिक्षा पद्धति पर मैकले शिक्षा पद्धति का प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, तो मैकले शिक्षा पद्धति का प्रभाव पड़ा तो भारतीय संस्कृति परंपराओं में सामुदायिक सेवा यानी शिक्षा के अंतर्गत सामुदायिक सेवा का अंत हो गया। और वर्तमान में यदि भारतीय शिक्षा को देखें तो वर्तमान में भारतीय शिक्षा का आधार ही सेवा करना नहीं बल्कि प्राप्त करना है। यानी भारतीय शिक्षा का आधार क्या है कि आप ये शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी, आप ये शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आपको ये काम मिल जाएगा। लेकिन अब भारतीय शिक्षा सिखाने पर कम और पाने पर ज़्यादा महत्व देती है। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति पे बाद में हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारा अभी कम्युनिटी सर्विस क्या होती है और किस प्रकार से वर्तमान में दंड के तौर पर इसको शामिल किया गया है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भारत में सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस के बारे में पहले बातचीत नहीं की गई। कोठारी आयोग 1964 में, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, वहाँ पर बातचीत किया गया था कि भाई शिक्षा में सामुदायिक सेवा के विकास का प्रयास किया जाए, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश हाई स्कूल और स्नातक ग्रेजुएशन के जो कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ पर कंपलसरी कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान है। वहाँ पर पढ़ रहे बच्चे कम अनिवार्य तौर पर सामुदायिक सेवा करते हैं। फिर अभी क्यों अचानक सामुदायिक सेवा आपके सामने आया, हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा
दांडिक विधियों में जो संशोधन किया गया वहां पर दंड के तौर पर सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया। कई जगह प्रावधान है, उदाहरण के तौर पर चोरी। अब थेफ्ट के लिए यदि 5,000 से कम राशि के किसी मूल्य की चोरी आप करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको सजा नहीं मिलेगी, आपको सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया जाएगा। भारत में रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट मेथड को अडॉप्ट किया गया है और रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट मेथड के लिए सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस ऐसे पनिशमेंट शामिल किया जाना बहुत ही शानदार कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। तो सामुदायिक सेवा के अंतर्गत भारत में किस प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, तो जैसे छोटे मोटे अपराध के दोषियों को पेड़ लगाने की, धार्मिक स्थलों का जो है तो रख रखाव करने के लिए, आप हिंदू हैं तो मंदिरों का रख रखाव अच्छे से करें, आप मुसलमान हैं तो मस्जिदों का रख रखाव अच्छे से करें, आप सिख हैं तो गुरुद्वारे में जाएँ साफ सफाई करें, उसके लिए आश्रय गृह जितने भी आपके जो आश्रय गृह होते हैं, अनाथालय होते हैं, वहाँ पर जाइए और एज ए वॉलेंटियर वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार की सामुदायिक सेवा का आदेश यहाँ पर दिया जाता है। यातायात के सिग्नल का प्रबंधन करने का भी आदेश दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप यातायात के नियमों को तोड़ रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आपको वहीं पर खड़ा कर दिया जाए कि अब तुम दूसरों को यातायात नियमों को तोड़ने से रोको, सबसे बेस्ट सामुदायिक सेवा ये मानी जाएगी। तो वर्तमान में सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट शामिल किया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि सेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।